अगर रामायण है तो ऋषि सम्मुख की हत्या हुई है, अगर रामायण नहीं है तो नहीं है। और रामायण को तो अभी थोड़ी गुमराह करा गया, वाल्मीकि कहते हैं वाल्मीकि जी ने, मैं मान लूँ रामायण है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, फिर उसके बाद किसने लिखी भाई रामचरितमानस, किसने लिखी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो किसी भी ग्रंथ को दोबारा लिखने की क्या जरूरत थी? किसी का इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है? वो इसलिए लिखा गया मेरे हिसाब से, मैं किसी के जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कि जो वाल्मीकि रामायण में सच्चाई लिख दी गई उसको डिस्टर्ब करने के लिए रामचरितमानस आई है। कुछ चीजें छोड़ी गई है, कुछ वो इसलिए छोड़ी गई, वो संस्कृत में आई है। क्यों आई है संस्कृत में? इस देश के दलितों को समझ में ही ना आए, इस देश के दलितों को समझ में नहीं आया कि कहाँ पे उनका शोषण हुआ है। अब दोबारा से इतिहास डिस्टर्ब करा जा रहा है, तो ये तो डिस्टर्ब, इतिहास डिस्टर्ब करने में तो महारथी है, करते आएंगे। अभी पिक्चर आई थी वो पृथ्वीराज सोन, कितना डिस्टर्ब नहीं करा। देखो सच्चाई यहाँ पे कहने से नहीं हो सकती है, इतिहास कभी छुपेगा नहीं, इतिहास तो हमेशा बुलंद रहेगा। इतिहास उनने दबाने का प्रयास किया तो हमारे बीच में से भी कई लोग निकल गया जो इतिहास को लेकर चल रहे हैं। अरे यहाँ पे इतिहास तो खत्म हो गया, सूखी ताली पीट रहे हैं। कौन खत्म करेगा हमारा इतिहास? हमसे ही इतिहास बनता है, हमारा इतिहास ही चलेगा। रोज पिट रहे हो, रोज बाबा साहब ने संविधान में चार स्तंभ दिए हैं, संसद उनके पास है, राज्यसभा उनके पास है, मीडिया उनके पास है, लेकिन सड़क की ताकत आज भी हमारे पास ही रहेगी। कहाँ सड़क की ताकत? सड़क की ताकत आज भी हमारे पास है। मैंने सबसे पहले कहा 2000 बस, जिस दिन इस देश के अम्बेडकरवादी एक मंच पे आ जाएंगे उस दिन ये अनुवादी अपने घरों में घुस जाएंगे, सबसे पहले बोल चुके। क्यों नहीं होंगे? अरे भाई स्वाभाविक सी बात, अभी उसके लिए ही इस देश में आंदोलन खड़ा होगा। नेचर में नहीं एक साथ आ जाए सारे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि जिस दिन इस देश की जनता उनसे, अपने नेताओं से सवाल पूछने पड़े लगेगी कि तुम क्या सिर्फ हमें ही ये नारा दोगे, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नारा तुम पे कब लागू होगा? मैं इस बात को बिल्कुल बुलंदगी के साथ अपने साथियों के साथ उस देश में उठाने का काम करूंगा। सर ये जो आप बुलाते हैं आयोग के चेयरमैन वगैरह, ये तो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनकी विचारधारा भी आपसे मेल नहीं खाती, तो आपकी बात कैसे सुनी जाएगी सर? नहीं ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारी पॉलिसी मैटर है, उन पॉलिसी मैटर पे ये शायद उतना काम ना कर पाए जितना इनको करना चाहिए, मगर वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, इसमें आने के बाद आदमी पार्टी का निरता हिस्सा भी। आपने विजय सापला जी को सुना, उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले भाजपा में था, अब मैं नॉन पार्टी का आदमी हूँ, तो स्वाभाविक तौर से रोज़मर्रा की लोगों की दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों के समाधान में कुछ बल तो मिलता है, संवैधानिक दायित्व उनका हमारी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन सर ये तो आप भी मानते पार्टी से आगे तो नहीं जा सकते? हाँ एक ब्राउंड उसका वो होता है, इसलिए तो हमें आंदोलन करने की जरूरत है। यदि वो अपनी अपने सही तरह से पूरी तरह से 101% अपने आप ही काम कर सकते होते तो हमें सम्मेलन करने की जरूरत ही नहीं है। हम साहब ने इशारा दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपको आंदोलन करने की जरूरत है, देखिए वो भी कह के चले गए हैं कि करिए। स्वाभाविक तौर से इतना कहना भी एक ऐसी पार्टी का जिसको कि हम आम तौर पर मानते हैं दलित विरोधी है, और आप कह रहे हो कि वो उसके नेता के साथ उनके साथ संलग्न तो रहते हैं, उसके बावजूद ये इशारा देना ही तो इस बात का प्रतीक है कि कमीशन क्या हो? आपको नहीं लगता उनके हाथ में कुछ है ही नहीं? इशारा क्यों तो खुल के बोल रहे हैं, देखिए। नहीं ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी कम है, क्योंकि उनके जो दांत जो जिस तरह से करके वो पहले इनको बुला के दंडित करने का भी कुछ अधिकार होता था वो भी नहीं है, और जो विभाग माने ना माने ये उनके दांत तो कमजोर हैं, इसको तो हमें मान राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। आप कहाँ रहेंगे हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में तो हमारी कोई संख्या नहीं है, चार वर्ण है, चारों वर्ण में हम कहीं आते ही नहीं है, हम तो अवर्ण है, इसलिए हमारा हिंदू से मतलब ही नहीं है। आप समर्थन में नहीं है हिंदू राष्ट्र? नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि आप जाति आपके जन्म से ही आपकी हैसियत तय हो जाती है, तो कभी भी नीचे वाले आदमी को ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। केजरीवाल कह रहे हैं नोटों पर लगा दो लक्ष्मी गणेश की फोटो, कुल मिला के केजरीवाल भी लगता है संकाई आदमी है, क्योंकि इससे पहले लगता है अभी समझ नहीं आप, क्योंकि एम्स के आंदोलन में उनका जो है दलित विरोधी एटीट्यूड देखने को आया था, वो बात अलग है, पार्टी बनने के बाद झाड़ू चुनाव चिन्ह लेके हमारे इमोशन तो संघ से आप नफरत करते हैं? नफरत तो क्या कहें कि नफरत तो नहीं, मगर वो हमारे खिलाफ तो है। लेकिन बाबा साहब की बात करते हैं केजरीवाल भी ऐसा ना, मैं एक बात कहता हूँ, जैसे अभी पीछे हमारे सांपला साहब ने वैसे कहा है कि बाबा साहब को माला उनके विचारों को ताला, तो ये तो संघ भी करता है, ये बीजेपी भी करती है, और ये केजरीवाल भी करते हैं। अच्छा, इसमें दो दलित नेता नहीं करते? दलित नेता कम से कम विचारों को ताला नहीं लगाते, वो बात अलग है, थोड़े संयमित होकर काम करते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार बीजेपी के जितने सांसद हैं जितने मंत्री हैं
उन पर कहीं ना कहीं से ना बोलने का ना काम करने का एक निर्देश होता है, ताकि संघ के कहने पर वो कुछ काम करें तो संघ को उसका श्रेय मिले, ना कि दलित नेता अपने नेतृत्व को उभार सके। तो सर लगता है आपको सुधार हो पाएगा, कुछ समाज में आ रहा है परिवर्तन? देखो जी, समाज में सुधार बिना आंदोलन चलाए, बिना धरना प्रदर्शन, बिना मास मूवमेंट के, बिना लोगों की जागृत हुए वो संभव नहीं है। सर आपको नहीं लगता आपको भी समाज से कोई मतलब नहीं, आप भी अपने लालच में ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं कहीं हमें भी हिस्सेदारी मिल जाए छोटी मोटी? नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को यदि हिस्सेदारी, मैं व्यक्तिगत तौर से यदि अपनी बात करूँ, मुझसे 93 में 50,000 की भीड़ में सज्जन कुमार ने कहा था, ठगला जी आप टिकट लेना चाहेंगे? मैंने कहा नहीं। इसी तरह साहब सिंह वर्मा ने भी कई बार कहा, तो हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का डायरेक्टर रहा हूँ, इसलिए कभी इस चीज़ के बारे में दिमाग। अत्याचार इस सरकार में ज़्यादा बढ़े या पुरानी सरकार में? अत्याचार नई सरकार में ज़्यादा है, बेसिकली पुरानी सरकार में, चाहे वो अम्बेडकरवादी नहीं सही, वो हमारे पक्ष में बात तो करती थी दिन रात, वो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का इतना बड़ा शोर शराबा तो नहीं था, इसलिए यदि वो 10 बार बोलते थे तो एक बार काम करते भी थे। धर्म संसद हो रही है सर, संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोगों को ऐसी मीटिंगें करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सर ये जो प्रोग्राम होते हैं आपके जिस प्रकार के, इनका कोई मतलब है क्या इन प्रोग्राम? नहीं, बिल्कुल इसका मतलब है, इन प्रोग्रामों से कुछ होता हो या ना होता, कंसर्न जन जागृति तो होती है, जब जागृति होती है तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि वो किस तरह इन समस्याओं का समाधान, जो 2-4 वो हो रहा होता है, जब वो अकेला होता है तो उसे समाधान की बात उसके मन में नहीं आती, जब सामूहिकता में सैकड़ों लोग एक साथ बैठते हैं तो स्वाभाविक तौर से वो समझता है कि मेरे और साथी भी हो जाएंगे, तो उनके अंदर उत्साह आया। समाधान हुआ अभी तक? हाँ, बहुत सारी चीज़ें। अब हम जब 97 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश निकले, हमने जो है परिसंघ बनाकर पूरे देश में आंदोलन चलाया, ऐसी रैलियाँ की, मीटिंगें की, उसी कारण तो 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हुए हैं। जब हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात उठाई तो उसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण तो हमें नहीं मिला, परंतु बिजनेस के अंदर 4% माल खरीदने की जो बात हुई वो हमको मिला। इनकी तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बल्कि जिस तरह लोगों के लिए तीर्थ स्थान होते हैं, उस तरह हम लोगों के लिए मीटिंग आयोजन करना और मीटिंग में हिस्सेदारी लेना बहुत ही आवश्यक अनिवार्य है। ये हमारे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाता है, इससे हमें सफलता मिलती है। आपको लगता है संविधान सुरक्षित है? नहीं, संविधान के में तो बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ की जा रही है इस समय। इस समय की जो हालात है वो संविधान के साथ ठीक ठाक नहीं है। संविधान के जो है मतलब का बेमतलब निकाला जा रहा है स्वाभाविक तौर से, और संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मकसद था कि समाजवादी राज्य बनाना, जिसमें धन और धरती और उद्योग वो सरकारी सहकारी क्षेत्र में हो, तो वो ना करके इसको प्राइवेट निजी लोगों के हाथ में जा रहा है, तो इससे जो आम लोग डाउन टोडन है, नॉट ओनली SC ST, जो दूसरे भी डाउन टोडन लोग हैं उनके रास्ते में ये बहुत बड़ी बाधा है, और नेचुरली संविधान की भावना का ये उल्लंघन है। लोग कहते हैं जो जिम्मेदारी आप लोगों की थी पढ़े लिखे की, वो आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। आज से 20 साल पहले जब हम लोग देखते थे तो इतनी सारी मीटिंगें नहीं होती थी, इतने सारे जनसंघर्ष के अभियान नहीं होते थे, इतने सारे कहीं पर भी दलित उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले कर्मचारी अधिकारी वर्ग ही पहुंचता है, तो इसका ये नहीं है कि नहीं कर रहे। तो अफसोस है ना सर, देखिए उत्पीड़न हो रहा है लेकिन आप लोग शांत हैं। नहीं, उत्पीड़न होता है तो हम पहुंचते हैं, हम बात करते हैं, हमसे ज़्यादा वो जिन पर उत्पीड़न होता है वो वर्ग भी नहीं उतर। कहाँ बात करते हैं आप लोग? आप तो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में रहते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ आप हाथरस का कांड हो, इसके अलावा जो भी देश भर में कांड हुए, जहाँ ये अपना SC ST का अत्याचार होता है, स्वाभाविक तौर से इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि हमारी शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम हर मामले को अपने दम पे सुलझा सकें, इसीलिए ऐसी मीटिंगों का ये एक होता है कारण, जिससे लोग इकट्ठा होंगे, जागरूकता आएगी और एक महाआंदोलन बनेगा। हिंदुओं का भारत क्या है? राम राज। नहीं, मुस्लिम नहीं है। राम राज आएगा तो मुस्लिम राज कहाँ जाएगा फिर? बुद्ध राज कहाँ जाएगा? धर्म के भी तो लोग हैं क्या भारत में? हिंदू भर रहे थे क्या जो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे? मोहन भागवत कह रहे हैं सबके पूर्वज हिंदू थे। अरे कैसे थे भाई? मुस्लिम कहाँ से आए और बौद्ध धर्म के लोग कहाँ से आए? सिख ईसाई जी कहाँ से आए फिर बताइए? हिंदू राष्ट्र ऐसे कैसे? उनके अवतार थे 10 में। अरे कैसे? अब उनके कहने से क्या मान लिया जाएगा कि अवतार थे वो? अरे कहाँ एविडेंस प्रूफ करे ना वो? एविडेंस है क्या कोई? है क्या? अरे भाई विष्णु का ही पता नहीं है कि वो कहाँ से आए, वो 10 में अवतार कैसे? अरे कैसे भाई आप मान लेंगे क्या? उन्होंने कह दिया अयोध्या में राम मंदिर था। अरे तो कैसे था भाई? वो तो उनने जबरदस्ती का बना दिया। अरे मिट्टी क्यों ला रहे? मिट्टी कहाँ से ला रहे हैं अयोध्या में? पता है आपको कहाँ से लाई जा रही मिट्टी? मिट्टी बाबा साहब की जन्मभूमि से लाई जा रही है मिट्टी, क्यों ला रहे हैं फिर वो बताइए आप लोग? उससे भी कोई लिंक है क्या? अरे भाई लिंक करना चाहते हैं भविष्य में, इतिहास को गुमराह करना चाहते हैं वो, इसलिए लाई जा रही है वो।
इतिहास गुमराह इतिहास बना रहे हैं, गुमराह इतिहास बना रहे हैं। जैसे उनने पहले वो आज से आप देख रहे हैं रामायण आज से कई साल पहले काल्पनिक वो कर दी थी, काल्पनिक घोषित हो गई, फिर भी वो जबरदस्ती धोपे पड़े हैं भाई। अच्छा जी, फिर क्यों बनवाया जा रहा है इतिहास को, गुमराह किया जा रहा है लोगों को, गुमराह किया जा रहा है। रामायण काल्पनिक है? अरे भाई आज नहीं, वो तो काफी पहले हो गई थी काल्पनिक, सम्मुख की हत्या नहीं हुई। अरे कहाँ यार, ये सब चीजें काल्पनिक थी, और यहाँ पे तो उच्च न्यायालय में पूरा सब चीजें काल्पनिक घोषित हो गई।